देखिए, जाना हुआ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, शानदार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव बड़ी ताकत के साथ लड़ती है। आपने देखा होगा, बड़े चेहरे हों, सांसद हों, मंत्री हों या विधायक हों, सबको चुनाव लड़ाया जा रहा है। जहां जहां जो जीतने की स्थिति में है उनको टिकट दिया जा रहा है, ताकि अच्छा प्रदर्शन रहे और एक बार फिर सभी राज्यों में सरकार बना के सेवा कर सके। के पास है तो वो भी उतार दें, कोई मना नहीं कर रहा। तो पार्टी के कार्यकर्ता पहले, नेता तो बाद में है। पार्टी तय करती किसको कहां से चुनाव लड़ना है, लोकसभा का लड़ना, विधानसभा का लड़ना, किस सीट से लड़ना, और हम सब कार्यकर्ता उसका पालना करते हैं। मैं दो बातें कहूंगा, श्रीमान राहुल गांधी जी, पहले तो तय कर लें कि राजस्थान में आज भी 3 साल की बच्ची के साथ रेप करके हत्या हुई। हर रोज राजस्थान में 17 ऐसे केसेस आते हैं जहां पर बेटियों या महिलाओं के साथ रेप और हत्या, ऐसे मामले हैं। 2 लाख से ज्यादा मामले पिछले 5 वर्षों के हैं महिला अपराध के, 35,000 तो दुष्कर्म के और हत्या की घटनाएं हैं। श्रीमान राहुल गांधी जी, 2 लाख तो छोड़ो, 2 बार भी क्या राजस्थान गए, 2 बेटियों से भी क्या मिल पाए? ये वो लोग हैं जो पीड़ितों के ऊपर भी राजनीति करते हैं। ये अपनी सोच इनके पास छोड़ के गए हैं। हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबको एक समान अधिकार देने की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं गरीबों के कल्याण के लिए काम करते हैं। तभी तो पिछले 5 वर्षों में 13.5 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर गरीब आ पाए, 13.5 करोड़, ये आज तक कभी नहीं हुआ। ये गरीब कल्याणकारी योजनाओं के कारण हुआ है। और ये कांग्रेस को दर्द हो रहा है, क्योंकि गरीब, गरीब की क्या जाति है साहब? गरीब तो गरीबी से बाहर निकलेगा तो देखेगा। अब कोई मैं धकेलने का ही काम किया, आज उसको अधिकार मिल रहे हैं, लाभ मिल रहा है, उसके जीवन में सुधार हो रहा है, पक्का मकान, रसोई गैस का सिलेंडर, पानी का कनेक्शन, मुफ्त में अनाज, मुफ्त में इलाज, ये सब हो रहा है, तो कांग्रेस को दर्द हो रहा है। आतंकवादी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की। दुख इस बात का है कि सर्जिकल स्ट्राइक तो पाकिस्तान पर हुई, पीड़ा कांग्रेस को ज्यादा हुई। कभी सबूत मांगते हैं, कभी कहते सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए थी। तो मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है, क्या 26/11 के हमले के बाद हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते? क्या भारत को कमजोर दिखाते? कांग्रेस चाहती क्या है? अगर डोकलाम में मुंह तोड़ जवाब चीन की सेना को दिया गया, तब भी कांग्रेस के नेता बंद कमरे में क्या कर रहे थे चीन के अधिकारियों के साथ? देश जवाब मांगता है कि चीन का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में क्यों लिया गया और क्या किया गया? जो एग्रीमेंट कांग्रेस पार्टी ने चाइना में ओलंपिक्स के समय दो अपनी पार्टी और उनके बीच में किया था, उस पर क्या लिखा है? ऐसा क्या गठजोड़ हुआ उस समय कि जब मुंह तोड़ जवाब चीन को दिया जाता तो इनको दर्द होता है? और सर्जिकल स्ट्राइक अगर आतंकी ठिकानों पर की जाती है